हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल WSBCC क्लासेस। फ्रेंड्स, यहां पर एक बहुत बड़ी अपडेट मैं लेकर के आया हूं अपने इस चैनल पर। जी दोस्तों, यहां पर NBS की वैकेंसी देखने को मिलेगा, NBS रिक्रूटमेंट 2022, जिसका लोग इंतजार करते रहते हैं। सेटेट पास होते हैं तो इंतजार करते हैं कि NBS की वैकेंसी कब आएगी, KBS की वैकेंसी कब आएगी, सुपर टेट, यूपी टेट, इन सभी वैकेंसीज का इंतजार करते रहते हैं। तो उनमें से एक वैकेंसीज यहाँ पर आ चुकी है नवोदय विद्यालय समिति की। जी हाँ, यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट की बात किया जाए, 1616 पोस्ट देखने को मिलेंगे। जी हाँ, यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और यहाँ पर पेपर कट के माध्यम से भी मैंने आपको इंडिकेशन कर दिए हैं। और यहाँ पर पोस्ट की बात किया जाए तो TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, PGT और PET फिजिकल जो है टीचर के, और उसके बाद जो है लाइब्रेरियंस के और म्यूजिक के टीचर के यहाँ पर जो है पोस्ट देखने को मिलेंगे। उससे भी खास बात यह है, यहाँ पर चार ऐसे पोस्ट हैं, मतलब नंबर ऑफ पोस्ट 1, 2, 3, 4 नहीं, 4 कैटेगरी के ऐसे पोस्ट हैं जिनमें कोई ट्रेनिंग नहीं जो है चाहिए, मतलब कोई ट्रेनिंग नहीं मांगा जा रहा है। आप डायरेक्ट उसके लिए एलिजिबल हैं तो अप्लाई कीजिएगा। कैसे क्या सिलेक्शन प्रोसेस होंगे, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर जो है कोई ट्रेनिंग प्रशिक्षण नहीं मांगा जा रहा है। तो पूरी जानकारी को इस वीडियो के माध्यम से मैं देने वाला हूँ, वीडियो में बने रहे, वीडियो आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, फटाफट एक लाइक कर दीजिए, जितने भी लोग जुड़े हुए सभी लोग एक एक लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर नया पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि चैनल पर आ जाए। जी दोस्तों, चैनल पर इस तरह दोस्तों चैनल पर जैसे ही आइएगा ना, तो चैनल पर आने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगा। तो आपको ये जो अबाउट वाला सेक्शन है इसमें आ जाना है। फाइनली सबसे पहले अबाउट वाले सेक्शन में आखिर आना है तो क्यों आना है, तो अबाउट वाले सेक्शन में आइएगा ना, तो यहाँ पर आपको जो है टेलीग्राम का इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल मिला हुआ है, WSBCC क्लासेस, BTC, PRD, LRC की इन्फॉर्मेशन के लिए इससे ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार स्टूडेंट्स को ज्वाइन करते हैं तो स्टडी मटेरियल मिलती है, और जॉब अलर्ट 24/7 को ज्वाइन करते हैं तो जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है। दोस्तों, अगर मैं लेटेस्ट अपडेट की अगर बात करूँ चैनल पर, तो होम पर क्लिक करना होगा। देन आफ्टर क्लिक होम स्क्रीन, आपको यहाँ पर जो है कुछ एक अपडेट देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको देखने में, यहाँ पर देखिए सिटी डेंटल केयर को लेकर के मैंने अपडेट दिया था। अपने ही जहाँ मैं रह रहा हूँ वहीं जो है हमारे जो है रिलेटिव है जो कि डेंटलिस्ट हैं, तो आप जरूर संपर्क करें, इसमें सारे पते दिए हुए हैं। अगर यहाँ आइए तो आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, है ना, आप सोनू सर करके बोलिएगा तो आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बस ये इन्फॉर्मेशन के लिए इसे डाला गया था, तो जरूर देखिएगा। बिहार में नामांकन और परीक्षा को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट है, चाहे वो इंटर कर रहे हैं या ग्रेजुएशन करना चाहते हैं या फिर BPSC जो है का एग्जाम से रिलेटेड अपडेट है, DLED के एग्जाम से रिलेटेड अपडेट, BED की एग्जाम, बहुत सारी अपडेट को यहाँ पर इंक्लूड मैंने किया, तो देख सकते हैं। और LRC का यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट है, वैकेंसी को लेकर देख सकते हैं, BTSC, PRD, LRC का कंबाइंड अपडेटेड आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए डायरेक्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या जानकारी है। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर अगर देखिएगा पेपर कटिंग के माध्यम से जो अपडेट है दोस्तों, पहली से आठवीं वो दसवीं, दस से बारहवीं तक के बारहवीं कक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति, यहाँ पर इससे रिलेटेड अपडेट। नवोदय विद्यालय में 1616 प्रशिक्षित शिक्षक होंगे बहाल, यहाँ प्रशिक्षित दिया गया तो आप ये नहीं समझेगा टोटल का टोटल यहाँ पर ट्रेनिंग ही मांगा जा रहा है। प्रिंसिपल के पोस्ट है PGT भूगोल, और इसमें जो है कैसे क्या सब्जेक्ट है देख सकते हैं, भौतिकी के जो है, कंप्यूटर विज्ञान के हैं, ये सब जो है PGT के हैं, ये TGT के हैं, ये TGT तीसरी भाषा से रिलेटेड ये पोस्ट इंडिकेशन किया गया है, और यहाँ पर पद का नाम दिया गया है। और देखिए पद और योग्यता देखिए यहाँ पर देखा जाएगा तो बोला है देश के नवोदय विद्यालय में नियुक्ति के लिए नवोदय विद्यालय समिति NBS ने शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए नियुक्ति निकाली है। NBS की ओर से नियुक्ति संबंधी जानकारी वेबसाइट पर अपलोड है, इसके तहत 1 से 8वीं कक्षा और 10वीं से 12वीं कक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति होंगी। वहीं प्राचार्यों की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। TGT, PGT, प्रिंसिपल और अन्य शिक्षकों के 1616 पदों पर के लिए वेबसाइट navodaya.gov.in पर अधिसूचना जारी की गई। मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन बताने वाला हूं, बने रहे। आवेदन शनिवार से शुरू है, अंतिम तिथि 22 जुलाई है। अभ्यर्थी के लिए NBS देश भर में एक कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT आयोजित करेगा। अब देखिए यहाँ प्रिंसिपल कम से कम 50% अंकों के साथ जो है PG और उसके बाद BED होना चाहिए PGT के लिए, है ना, और PGT के तौर पर 15 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। PGT का यहाँ पर कम से कम 50% अंकों के से संबंधित 2 साल का PGT इंटीग्रेटेड कोर्स या 50% अंकों के साथ संबंधित विषय में मास्टर डिग्री होना चाहिए। TGT के बारे में कम से कम 50% अंक संबंधित विषय वो
एग्रीगेटेड के साथ 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स या कम से कम 50% अंकों के साथ बैचलर ऑनर्स डिग्री संबंधित विषय डिग्री कोर्स के 3 साल का जो है पढ़ाओ, कम से कम 50% अंकों के साथ जो है बैचलर डिग्री होना चाहिए। ये सारी चीज़ तो बताई गई है दोस्तों, यहाँ पर शॉर्टकट में यहाँ पर बताई गई है। मैं आपको जो है ये नोटिफिकेशन दिखाता हूँ, नोटिफिकेशन की तरफ हम लोग जरा सा बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर पोस्ट है प्रिंसिपल पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मिसलेनियस कैटेगरी के ऑफ टीचर्स इन नवोदय विद्यालय समिति, तो मिसलेनियस में ही आएगा म्यूजिक वगैरह का। तो यहाँ पर देखिए पोस्ट इंडिकेशन किया गया है प्रिंसिपल ग्रुप ए का जनरल में 7 पोस्ट है, ईवीएस में यहाँ पर सारे AWS में जो है सब पोस्ट यहाँ पर इंडिकेशन किया गया। पोस्ट ग्रेजुएट का देख सकते हैं पीजीटी का ग्रुप बी का बायोलॉजी, इधर सब्जेक्ट हो गया और इधर नंबर ऑफ पोस्ट। अच्छा ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर दोस्तों मिल जाएगा जो बिला 24/7 पर, तो दोस्तों अभी ही जाइए ज्वाइन कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा, आप जाकर के इजिली ज्वाइन कीजिए। ये सब तो पोस्ट दिखाया जा रहा है, इसके डिटेल्स मैं आप लोगों को देता हूँ वो बेहतर रहेगा ना। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के भी यहाँ पर देखिए पोस्ट दिया गया है, कहाँ कहाँ कैसे जो है सब्जेक्ट में जो है पोस्ट है देख सकते हैं। मिसलेनियस कैटेगरी के टीचर के भी जो है यहाँ पर जो है जैसे म्यूजिक में देखिए जनरल में 6 पोस्ट है और जो है EWS में 3 पोस्ट है, आर्ट में भी देखिए 19 पोस्ट है, 4 पोस्ट, इस तरह पोस्ट इंडिकेशन टोटल 43, 33, 21, 31, 53 और यहाँ पर टोटल 181, यानी कि PET मेल में, PET फीमेल में, लाइब्रेरियन में, ये सारे पोस्ट का इंडिकेशन किया गया है। नीचे आइएगा दोस्तों प्रिंसिपल का जो दिया गया है पोस्ट कोड एक, तो इसमें पे स्केल आपका लेवल 12 के हिसाब से 78,800 से यहाँ पर जो है 2 लाख जो है 9,200 तक होगा। और उसके बाद जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन एकेडमिक मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेटेड, बीएड भी होना चाहिए, एक्सपीरियंस भी यहाँ पर जो है आपका जो है मांगा जा रहा है दोस्तों, देख सकते हैं ये सारे चीज इंडिकेशन किए गए हैं पीजीटी के लिए प्रिंसिपल के लिए। अब देखिए यहाँ पर नीचे आइएगा तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए यहाँ पर पोस्ट दिए गए सब्जेक्ट वाइज और इनसे रिलेटेड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर से रिलेटेड यहाँ पे इसके लेवल 8 के हिसाब से 47,600 से 1,51,100 तक होगी और एसेंशियल क्वालिफिकेशन 2 ईयर इंटीग्रेटेड को पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए और साथ ही साथ एटलीस्ट बीएड भी होना चाहिए। अच्छा बीएड डिग्री इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट हु हैव अंडरगोन 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड, अगर इंटीग्रेटेड किए होंगे तो उसके लिए नहीं, अगर नहीं है तो फिर बीएड चाहिए। अब यहाँ पर पीजीटी के लिए मास्टर डिग्री वगैरह यहाँ पर देखिए सारे चीज सब्जेक्ट वाइज दिए गए हैं। नीचे आते हैं आप देखिएगा नीचे पीजीटी कंप्यूटर के लिए क्वालिफिकेशन 50% मार्क्स एग्रीगेटेड ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि बीए बीटेक वगैरह ये सारे चीज होने चाहिए। नीचे आइएगा दोस्तों फॉर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी कि टीजीटी के लिए अगर देखा जाए तो इसके लिए क्वालिफिकेशन, ये तो देखिए कहाँ कैसे क्या पोस्ट है देख सकते हैं आप लोग, कोड दिया गया पोस्ट वाइज लेवल 7 के हिसाब से 44,900 से 1,42,400 तक होगा और 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT से होना चाहिए। जी दोस्तों 50% मार्क्स होने चाहिए एटलीस्ट, बैचलर डिग्री होना चाहिए है ना 50% मार्क्स से पास, यहाँ पर भी वही बात बताया जा रहा 50% मार्क्स से होना चाहिए सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट में जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, सिंपल से बात है, सिंपल सा फंडा है। अच्छा नोट में TGT हिंदी के सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर्स ऑफ डिग्री कोर्स होना चाहिए हिंदी के लिए और इंग्लिश के लिए। दोस्तों मैथ के लिए भी देखिए यहाँ पर बैचलर डिग्री मैथ में होना चाहिए है ना, मैथ केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस स्टैटिक्स वगैरह होना चाहिए, TGT बॉटनी जियोलॉजी और केमिस्ट्री में भी यहाँ पर जो है बताया जा रहा है बॉटनी के जियोलॉजी केमिस्ट्री ड्यूरिंग ऑल द 3 ईयर्स स्टडी इन ग्रेजुएशन, ये ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है बीएड मांगा जा रहा है, सिंपल इतना बात याद रखिएगा और 50% एटलीस्ट 50% मार्क्स से पास होने चाहिए। मिसलेनियस का अगर देखा जाए म्यूजिक टीचर का तो देखिए यहाँ नीचे आइएगा तो म्यूजिक टीचर का जो है पे स्केल वगैरह यहाँ जो है 44,900 से 1,42,400 तक बताया जा रहा है ना, उसके बाद 5 ईयर स्टडी इन म्यूजिक इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाय द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट है ना होना चाहिए, बैचलर डिग्री भी होना चाहिए, हायर सेकेंडरी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, संगीत विशद एग्जामिनेशन ऑफ यहाँ पर ये बताया जा रहा है, वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश इन हिंदी और अदर रीजनल लैंग्वेज, जहाँ का अप्लाई कीजिएगा उसका रीजनल लैंग्वेज की जानकारी जो है आपको होना ही चाहिए। दोस्तों उसके बाद जो है आर्ट टीचर के बारे में भी यहाँ पर बताया, 4 ईयर रिकॉग्नाइज डिप्लोमा इन एनी डिसिप्लिन में होना चाहिए आर्ट्स के लिए है ना, जैसे पेंटिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, ग्राफिक हो गया, इन सभी में होना चाहिए।
और यहाँ पर 10th पास होना चाहिए, ये डिग्री इन फाइन जो है आर्ट्स क्राफ्ट्स ये होने चाहिए, बीए डिग्री इन फाइन आर्ट्स फ्रॉम रीजनल कॉलेज से होना चाहिए अगर इसके लिए करते हैं तो, है ना। पीटी के लिए बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन के लिए देखिए डीपीई एड फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होने चाहिए। लाइब्रेरियन के लिए यहाँ पर जो है सेम बात, यहाँ पर ग्रेजुएशन होना चाहिए, है ना, 3 इयर्स का वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश और हिंदी का होना चाहिए, रीजनल तो होना चाहिए, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ रेसिडेंट स्कूल, रेसिडेंशियल स्कूल का होना चाहिए। उसके बाद जो है आपका जो है यहाँ पर रिलैक्सेशन जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन बताया जा रहा है, तो कास्ट वाइज जो है यहाँ पर रिलैक्सेशन इंडिकेशन किया गया है। दोस्तों नीचे आइएगा आप स्क्रॉल डाउन करके, तो और भी चीजें हैं, जैसे मोड ऑफ सिलेक्शन की बात किया जाए, कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड इंटरव्यू पर्सनल एंड इंटरेक्शन पुट टुगेदर। यहाँ पर जो है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, पर्सनल जो है इंटरेक्शन का जो है टेस्ट वगैरह होगा, उसके बाद जो आपका सिलेक्शन होगा। वहीं देखिए यहाँ पर एक चीज इंडिकेशन किया गया, इस बात को दोस्तों यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा इस लाइन को जरा सा, द सेंटर फॉर द सीबीटी फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल विल बी एट दिल्ली एनसीआर ओनली। तो प्रिंसिपल का जो एग्जाम होगा वो दिल्ली में ही होगा, है ना, उसके बाद पोर्ट ब्लेयर में होगा, स्टेट दिया गया, सिटी दिया गया, कहाँ कहाँ सेंटर बनाया जाएगा। दोस्तों आपके बिहार में भी, भागलपुर में भी सेंटर देखने को मिलेगा, है ना, नीचे आइएगा तो पटना में भी सेंटर देखने को मिलेगा, गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, रोहतास, इन सभी, समस्तीपुर वगैरह में भी जो है देखने को मिलेगा दोस्तों सेंटर। तो ऑल इंडिया ये जॉब है, सबसे बड़ी बात है, आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़रूर से ज़रूर मैं कहूँगा कि अप्लाई करें दोस्तों। और कौन कौन सब्जेक्ट कैसे क्या तैयारी करने होंगे उसके लिए देखिए यहाँ पर क्राइटेरिया वगैरह दिया गया, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे ये देख सकते हैं। आइए जरा सा आप जो है हम फी के बारे में बात कर ले कि सर फी कितना लगेगा, ये क्वेश्चन आप लोगों का होगा। प्रिंसिपल के लिए यहाँ पर 2000 रुपये लगेंगे, पीजीटी के लिए 1800, टीजीटी और मिसलेनियस के पोस्ट के लिए 1500 रुपये लगेंगे ऑनलाइन अप्लाई के लिए, आप देखिए। और इसका अप्लाई जो है रजिस्ट्रेशन ओपन 2 जुलाई से हो चुका है और 22 जुलाई तक इसका जो है लास्ट डेट है। विल बी इंटीमेटेड ऑन वेबसाइट, जब आपका जो है समिति की वेबसाइट पर डाला जाएगा जब एग्जाम का जो है डेट आएगा। तो दोस्तों यही थी अपडेट, और इसी तरह की अपडेट पाने के लिए हमारे साथ बने रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय बाय।